हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। कोरोना पर एक्शन में है केंद्र और दिल्ली सरकार। छतरपुर इलाके में नए कोरोना अस्पताल का उद्घाटन हुआ है आज। इस उद्घाटन के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के छतरपुर इलाके में 10,000 बेड वाला ये नया कोविड अस्पताल है। ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल जो बनाया गया है छतरपुर में। तो आप देख रहे हैं ये सुविधा किस तरीके से दिल्ली में बढ़ाई जा रही है बेड्स की। उसी के तहत छतरपुर में ये 10,000 बेड्स की जो व्यवस्था की गई है खासतौर से कोरोना पेशेंट्स के लिए। हम सीधे रुख करते हैं, नीरज पांडे इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। नीरज जरा बताइए कितना समय लगा 10,000 बेड्स की ये व्यवस्था बनाने में। देखिए अगर बात की जाए तो पिछले 15 दिन में ये बेड की व्यवस्था की गई 10,000 बेडों की। यहाँ पे छतरपुर में जो राधा स्वामी सत्संग हॉल है यहाँ माना जा रहा है करीब 10,000 से ज्यादा बेड लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल 10,000 बेड की व्यवस्था की जा रही है जिसमें 2,000 बेड आज से ऑपरेशनल है। और उसी का निरीक्षण करने खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मौजूद हैं। आपको याद हो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की थी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे लोग मौजूद थे। इसके अलावा तीनों जो मेयर थे उनको भी बुलाया गया था। तो उस दिन ही निर्णय ले लिया गया था कि हमें एक्स्ट्रा बेड तैयार करने होंगे और उसी दिन अनिल बैजल जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने इस स्थल का निरीक्षण किया था, जहां पूरी उन्होंने देखा था कि क्या कुछ किया जा सकता है। और उसी दिन और इसके साथ नीरज पांडे, अब दिल्ली में जो बेड्स की कैपेसिटी है वो कहां पर पहुंच गई है? देखिए जो कहा जा रहा है राज्य सरकार ने जो उनसे कहा था कि 30,000 बेड उनके पास उपलब्ध हैं, 30,000 बेड में आज भी दिल्ली मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास जो हॉस्पिटल्स में बेड हैं उसमें करीब 2,000 से ज्यादा बेड ऐसे हैं खाली हैं। लेकिन ये आगे की तैयारी को देखते हुए केंद्र सरकार के सौजन्य से इसमें खासकर राधा स्वामी सत्संग का तो केवल ये हॉल है, लेकिन जो पूरी तैयारी की है वो की है आईटीबीपी ने। आईटीबीपी को एक जिम्मा सौंपा गया था और ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार के फंड से इसे तैयार किया गया। आईटीबीपी की देखरेख करेगी और आईटीबीपी इसका ऑपरेशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज पांडे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निरीक्षण करने पहुंचे हैं ये 10,000 बेड की कैपेसिटी वाला कोविड सेंटर दिल्ली के छतरपुर इलाके में बनाया गया है। फिलहाल 2,000 बेड जो है वो यहां पर फंक्शनल हो गए हैं, ऑपरेशनल हो गए हैं, मतलब उन पर मरीजों को भर्ती कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें इस पूरे व्यवस्था का जायजा लेते हुए गृहमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं।